सभी भाई मेरा जय हिंद और वंदे मातरम। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में जो कौन कौन से स्पोर्ट्स वैलिड होते हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होते हैं, और इस स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में इसमें जो हाइट में कितनी छूट मिलती है, चेस्ट में कितनी छूट मिलती है, वेट में कितनी छूट मिलती है, आज का वीडियो इसी टॉपिक को होने वाला। तो इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा, और जो बंदे स्पेशली जो सेना भर्ती में शामिल होने वाला है ये सर्टिफिकेट जरूर ले जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी जो चीज़ें हैं जो आपको बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बारे में जो आपके डाउट है सारे इस वीडियो में क्लियर होने वाले। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको पूरा बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट वैलिड होते हैं, और आपके फ्यूचर में आप बनाना भी चाहो तो आपको कौन से सर्टिफिकेट बनाना चाहिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहे। जिन बंदों का नहीं बनाया तो वो आपको बताऊंगा कैसे बनाना है, क्या प्रोसेस रहेगा, वो आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जिन बंदों ने चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आने वाली सेना भर्ती में सबसे ज़्यादा जो आपको क्राउन डिपेंडिंग करने वाला हूँ इसी चैनल पर, तो सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। दूसरी चीज़, जिन बंदों ने मुझे अभी इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरी जानकारी बताते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। भाई आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन बंदों ने जो अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया और जो इस म्यूचुअल फंड के बारे में आप थोड़ा बहुत नहीं जानते हो, तो वीडियो को मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसको चेकआउट कर देना। आप अभी जो ऑफर चल रहा है, यदि आप उस ऐप्स को अपना रजिस्टर करते हो और डाउनलोड करते हो और अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो 100 रुपये आपको पर रैपर पर मिल रहे हैं। यदि अपने जो फैमिली मेंबर में 10-12 भी मिल गए तो आपको 1200-1300 रुपये कहीं नहीं गए। दूसरी चीज़, अपने ग्रुपों में शेयर करके भी अपने बहुत अच्छा एक पैसा जनरेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी ग्रो ऐप का ऑफर चल रहा है, 100 रुपये पर रैपर पर मिल रहे हैं और आपका इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, रजिस्टर करने का, अकाउंट बनाने का कोई चार्जेज नहीं है। तो आपको जो घर बैठे बैठे थोड़ा बहुत पैसा करना कमाना चाहते हो 1000-2000, तो आप बहुत अच्छा एक ऑप्शन है ग्रो ऐप, अभी जो पर रैपर पे 100 रुपये दे रहा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उस वीडियो की, उस वीडियो कंप्लीट देख लेना। उस वीडियो पे पूरी जानकारी मैंने बताई है कि कैसे इसमें अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे प्रोसेस है, और इसमें लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर चेकआउट कर देना जरूर, क्योंकि पर रैपर आपको 100 रुपये मिल रहे हैं और आपके लिए फ्यूचर में बहुत जो काम आने वाला ये ऐप है। तो इसमें ग्रो ऐप में जानिए, क्योंकि फ्यूचर में अभी जो बहुत से बंदों के पास में जो फीस का मेजरमेंट नहीं हो पाता है या कुछ और भी दिक्कतों के कारण पैसे नहीं हो पाते, तो वो इसमें जो आप छोटे छोटे अमाउंट पर इन्हें 500-500 या 100-100 रुपये आप इसमें जो निवेश करके बाद में जाके इसका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा जनरेट हो सकता है, बड़ा पैसा बन सकता है। तो उसका जो ऐप्स के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, चेकआउट करो, अपना रजिस्टर करो, अकाउंट बनाओ, और इस वीडियो को मैंने आपको बता रखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें आराम से जाके अपना पूरा कंप्लीट अकाउंट बना सकते हो। गवर्नमेंट द्वारा पास आउट है ऐप्स, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बैंक अकाउंट जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं सब दे देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने खुद इसमें जो रजिस्टर कर रखा है आप देख लेना, है एकदम करेक्ट ऐप्स है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अभी इसकी रेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 4.4 के आसपास है और इसमें डाउनलोडर 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबर हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई। इसने बंदे डाउनलोड कर रहे हैं तो एकदम करेक्ट है, सही प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी दिक्कत इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भाई को प्रॉब्लम नहीं हो रही है और नहीं हो रही है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन देकर चेकआउट कर देना, उस वीडियो की पूरी जानकारी बता रही है मैंने। सबसे पहले मेरे भाई आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये एक राजस्थान का कोटा आरओ है, जो आपको एक बहुत बड़ा एक आरओ है, इसका जो नोटिफिकेशन अभी आ रखा है, जो इसके जो भर्ती के बता रखा है 11 जुलाई से होने वाली है, एकदम करेक्ट जानकारी है। इसमें जो नोटिफिकेशन में आपको नीचे देखने को मिलेगा जो इसमें जो अपना जो सर्टिफिकेट के बारे में बता रखा है। स्पेशली एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो बंदे स्पोर्ट के सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है और जिन बंदों को बना रखा है, इन एक चीज़ दिमाग में बैठा नहीं, पहले जो इसमें स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट 2 साल ही वैलिड था, 2 साल इसमें जो आप इसमें जो अपना आर्मी में काम ले सकते थे, लेकिन अभी जो आप 3 साल तक काम ले सकते हो, 3 साल तक इसमें यूज़ हो सकता है। इसमें जो पूरा इन्फॉर्मेशन बता रखी है कि 3 वर्ष आपके इसमें यूज़ हो सकता है, इसमें पूरा जानकारी बता रखी है, ठीक है। तो इतने करेक्ट जानकारी है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब जो मैं जो जरूरी चीज़ है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें जो आपको एक और भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो स्पोर्ट में अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग वेट के हिसाब से छूट मिलती है, वही चीज़ इसमें बता रखा है, ठीक है। तो मेरे भाई ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एकदम ऑफिशियली चीज़ है, ये कहाँ पे लिखा है मैं आपको 3 साल की बोल रहा हूँ, जो कहाँ पे लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। इस नोटिफिकेशन में आपको जो इसके नीचे दिखने को मिलेगा, इससे जो आपको टैप को देख लेना, स्पोर्ट सर्टिफिकेट इशू है जो बाय अथॉरिटी जो आपकी स्पोर्ट जो फेडरेशन है उस वैलिड डेट से आपके 3 वर्ष जो आपको वैलिड रहेगा, जो भी आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट 3 साल के लिए ही मान्य रहेगा, ये चीज़ दिमाग में बैठा है, ठीक है। अब जो मैंने जो जरूरी चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, स्पोर्ट सर्टिफिकेट आपका कौन सा वैलिड होता है कौन सा नहीं, चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब जो नेशनल सर्टिफिकेट जो होता है, आपके जो नेशनल लेवल के जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको इसमें वैलिड रहेगा, कोई भी आप सेना भर्ती में जा रहे हो इसमें आपका नेशनल लेवल का जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको चल जाएगा। इसके बाद में जो भी स्टेट लेवल है, जो स्टेट के जो भी होते हैं, जो आपकी पोजीशन होती है जूनियर या इनसे, या नेशनल लेवल की जो भी आपको पोजीशन होती है वो भी आपकी इसमें जो वैलिड रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद में जो अपना 3rd नंबर है वो अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी या जो इनसे जो आपका जो भी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो भी वो आपका वैलिड रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब दूसरी जो चीज़ जो बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका 4th सर्टिफिकेट है, ठीक है, 4th सर्टिफिकेट अपने स्टेट लेवल होता है, जो नेशनल लेवल होता है, जो आपके खेलो इंडिया गेम्स एंड ये चीज़ें होती हैं, जो इन सभी है आपका, तो भी कोई दिक्कत नहीं हो। सेक्स जो पोजीशन होती है, 6 से जो आपको पोजीशन तक आप उसमें वैलिड रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और यूनिवर्सिटी जो कॉलेज होती है उनमें भी आपके 6 पोजीशन तक ही वैलिड रहेगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं रहेगा।
ठीक है, ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी बता दी मैंने आपको। अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी, जो ई नंबर पे आपको देखो ई सेक्शन पे, जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल जो दो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से होते हैं, जो उनसे बिलोंग करने वाले बंदे होते हैं, स्पेशली जो आपका पोजीशन है, जो आपके फोर्थ पोजीशन तक जिसमें जो टीम के हिसाब से भी आपका है, तो भी चल जाएगा। लगभग ऑलमोस्ट आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तब भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, इसमें आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़, जो आपका लास्ट का जो सर्टिफिकेट है वो इसमें बता रखा है कि जो आपको स्टेट स्कूल टीम्स आपका जो होनी चाहिए, ओरिजिनल आपका ये है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल जो इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इनसे रिलेटेड है तो भी आपका सर्टिफिकेट है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें पोजीशन आपकी 6 पोजीशन तक भी है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सर्टिफिकेट है जो आपको बहुत ज़्यादा वैलिड रहेंगे, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। कौन कौन से बेनिफिट देखने को मिलेगा आपको बता देता हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, एक्स आर्मी होता है, जो एक्स आर्मी जो जिनका जो बच्चे जो आर्मी में होते हैं, जिनके बच्चों के थ्रू जो उनका सर्टिफिकेट बना होता है, जो आपके रिलेशन सर्टिफिकेट माना जाता है, यदि उनसे भी आपका सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जिनका नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैलिड दोनों का सेम ही होता है, जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो रिलेशन है दोनों के आसपास ही रहता है। देखो आपको बता देता हूँ, यह जो इसमें बता रखा है जो रिलेशन सर्टिफिकेट है या एक्समैन सर्विस मैंने इनके बारे में बता रखा है, ठीक है। तो इनमें दो सेंटीमीटर की इसमें हाइट में छूट मिलेगी इनको, और जो स्पोर्ट वाले बंदे हैं स्पेशली उनको भी दो सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जो 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 रिलेशन वाले बंदे होते हैं उनको चेस्ट में एक सेंटीमीटर के आसपास की छूट मिलेगी। दूसरी चीज़, जो स्पोर्ट वाले जो बंदे हैं उनको 3 सेंटीमीटर तक की इसमें छूट मिल जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है। जो स्पोर्ट वाले बंदे हैं उनको बहुत अच्छी बात है कि जिनमें आपको बहुत अच्छा एक मिल रहा है। दूसरी चीज़, वेट में आपको इसमें बहुत ज़्यादा मिलेगा, उनको 2 kg का वेट की छूट मिलेगी, और अपने को 5 kg की इसमें जो आपको छूट देखने को मिल जाएगी। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिन बंदों ने भी इसके बारे में अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो बना देना। और ये बनता कैसे, मैं आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ। इसमें कोई पैसा ऐसा देने की नहीं है, दलाल को ऐसा कुछ देने का जरूरत नहीं है। बेसिक चीज़ होता है, अपने जो भी कॉलेज में जो पार्टिसिपेट होती है, यूनिवर्सिटी में जो भी आपके होती है, उनमें उस जो पार्टिसिपेट करो, उनमें जो आप पोजिशन बनाओ, जो भी आपकी पोजिशन आती है उस हिसाब से सर्टिफिकेट मिलते हैं। जो भी आपका स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, जो भी प्रतियोगिता होती है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल होती है, स्टेट लेवल होती है, उसके बाद जो आपके नेशनल के लिए जाती है, उसी प्रकार से आप जो भी आपकी जो पोजिशन होती है, खेल कूद होते हैं, आपके कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, जहाँ पे भी होते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करो। वहाँ से बहुत अच्छा है, बेस्ट है, और वो वैलिड होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ये आपको बेसिक एक फंडा बता रहा हूँ जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि बहुत से बंदे जो मैंने देखे हैं जो आपको 6,000-10,000-20,000 लेके ये स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट बनाते हैं, और जब जो वहाँ पे आर्मी भर्ती में जाते हैं तब जो लात मार के बंदों को फेंक देते बाहर। तो ऐसी ये जो गलतियाँ मत करना, एकदम वैलिड आपका सही सर्टिफिकेट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई डरने की दिक्कत नहीं है। यदि आपके ये कॉलेज वाले हैं, स्टेट लेवल हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल हैं, आपको बिना देखे आंख मीच के आपको ये ले लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, कॉलेज लेवल होते हैं जितने भी, लगभग ऑलमोस्ट सही होते हैं, करेक्ट ही होते हैं, तो ये इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अभी तक तो, ऐसी कि जो मुझे देखने को नहीं मिली है। इसीलिए मैं आपको कवर कर रहा हूँ इसी चीज़ के लिए जो बता रहा हूँ कि आपको एकदम करेक्ट है। आप कॉलेज लेवल के जो भी हैं उनसे, या जो आपको यूनिवर्सिटी लेवल के जो भी हैं चैंपियनशिप, उनमें आप पार्टिसिपेट लो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी हैं उनमें आप पार्टिसिपेट लो, जो स्किल के जो भी आपके गेम्स होते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट लो, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आप दोनों जो आप ट्राई कर सकते हो, इनसे आप बना सकते हो अपना जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। बाकी जो दूसरे चक्रों में पड़ोगे तो जो पैसे आपके डूबने वाले हैं और वेस्टेज होंगे, तो इन चीज़ों में ना जाना, ठीक है। ये जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत से बंदे इस चीज़ के लिए मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर हमें 2 सेंटीमीटर की हाइट की छूट मिल जाती है, बहुत अच्छा होता है, या इस चीज़ के लेके। तो इस वीडियो को मैं जितना होगा वीडियो को शेयर करना, जिससे हर भाई तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच के, और जिनके पास में भी ये होगा तो वो ज़रूर इस सेनावर्ती में लेके जाएगा जो आने वाली सेनावर्तियाँ हैं, ठीक है। सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जिन बंदों ने नहीं बनाया तो बना देना, ये आपको बता रहा हूँ, एक अच्छा एक मौका दे रहा हूँ, जिससे जो बहुत से बंदे हाइट में प्रॉब्लम हो रही, जिनके 1.68 है और 1.70 मांग रहे, वो हाइट के हिसाब से बहुत अच्छे, उनको बेनिफिट मिल जाएगा और आराम से आर्मी में भर्ती हो सकेंगे। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को जितना फॉलो करना जिससे हर दोस्तों की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, ठीक है। और ग्रो ऐप्स के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाके चेकआउट करो, अकाउंट बनाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे भाई। आप 100 रुपये आप निवेश कर सकते हो, यानी आप 100 रुपये पर रह पर आप मिल रहे थे, कोई भी दिक्कत नहीं यार। नॉर्मल अपना बेसिक चीज़ यार, 5-10 मिनट आप यूज़ करके पैसा कमा सकते हो, इतना तो बहुत अच्छी बात है ना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए, जाओ चेकआउट करो, अपना अकाउंट बनाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सभी को मेरे बेस्ट ऑफ लक, और जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए बाय बाय।